अम्मी यार ये क्या शिल्पा शेट्टी बनी हुई है यार आप? आज मेरा इंटरव्यू है, कुछ खाए पिए बगैर गया तो कैसे अच्छा होगा? वैसे तबाह हो गई है हमारी अच्छी भली अम्मी इस रिश्ते के कारण। इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गई है आपके, अपने अलावा किसी का सोचती नहीं है। और क्या कहा हमारे होने वाले अब्बू ने कि चल्ले जैसी कमर कर लो, एक महीने के अंदर अंदर ब्यूटी क्वीन बन जाओ। तोबा तोबा हद है भाई, क्या बदतमीजी है ये। मैंने सोचा था कि मैं 2 घंटे योगा करूंगी, लेकिन अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ मुझे। मरा तुम लोग, मैं अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं सकती। ये एक्सरसाइज से ना कुछ नहीं होता, इंसान को अपनी डाइट पे कंट्रोल होना चाहिए। चावल और रोटी के बगैर तो आपका गुजारा नहीं होता, यही चीजें जिस्म फुलाती हैं। अम्मी ने काली काली चावल की भरी हुई प्लेट खाई है। ओ, तुम लोग ही मेरे खाने पे नजर होती है। कबीर मुझे डाइट चार्ट बना के दे, चाहे मैं फाके करूं, कच्ची सब्जियां खाऊं, मैं एक महीने में स्मार्ट होके दिखाऊंगी। मैडम को ना करण जौहर की फिल्म ऑफर हुई है, जो चैलेंज समझकर बेबी 1 महीने के अंदर अंदर वेट रिड्यूस करेंगी। बेबो डॉल में सोने दी। तुम लोग मेरी औलाद हो ना, सोतनों वाला सलूक कर रही हो। हसद देखो की ना देखो इनके दिल में। जा कबीर रस ला के दे, चाय बनाएगी ये हड हरामों की मलकाए आलिया। सारी जिंदगी मेरी चूल्हे के आगे गुजर गई है, झुलस कर रह गई हूँ मैं। तुम लोगों को माओ नहीं नुकरानी ही चाहिए, बदतमीज। जा इसे डबल रोटी ला के दे, कबीर बना लेगी खुद ही चाय। माँ तूने तो मुझे डरा ही दिया बदबख्त। कल मेरी उनसे वीडियो कॉल पे बात हुई, खुर्शीद साहब से। कोई बदमाशी वाली बात तो नहीं की ना? मैं बताए दे रही हूँ, वो बहुत शर्मीला लड़का है खुर्शीद। अम्मा उन्होंने मुझसे बड़ी बातें की और बड़े प्यार से, और ये भी कहा कि थोड़ा सा वजन कम कर लो। उन्होंने अगले महीने लाहौर चक्कर लगाना है ना, तो मैंने भी ना कल YouTube और इंटरनेट पे डाइट प्लान देख लिया। उसमें 20 से 22 केजी वज़न कम होता है और कमर भी पतली होती है, जिल्द भी चमक जाती है। बाकी अम्मा उनके जाने के बाद 30 केजी तो मैं और कम कर ही लूँगी। 50 शेर गिराने के बाद जाके तेरा कम होगा वज़न? अम्मा 70-75 केजी की तो मैं हो ही जाऊँगी, पर मैं आपको बता रही हूँ मैं बाल ज़रूर कटवाऊँगी। ओहो कहीं नाक ना कटवा लेना। अम्मा मोना का बेटा है ना इफी, उसके पास बड़ी ही प्यारी विगें पड़ी हुई हैं। उसको कहूँगी कि मुझे विग लगाए और अच्छा सा मेकअप करे। तस्वीरें खींच के ना मैं खुर्शीद साहब को भेजूँगी। वैसे मैंने नोट किया है कि शादी की बात सुन के तो तेरी बाछें खिल उठती हैं। वैसे तो ये मेरी मंशा है, लेकिन बुरा ना मनाना। जैसे तू ये आजकल की कवारी लड़कियों की तरह ये बनावटी लहजे में बात करती है ना, बहुत ही बुरा मालूम होता है। अम्मा यकीन करो, एक आपका लड़का था और दूसरा ये मर्द है, जिसे देखकर मेरे दिल से जज्बात उभरते हैं, वरना मैंने अपनी ख्वाहिशात और जज्बात को तो कफन पहना दिया था। अपने फिल्मी मुकालमे बंद कर अब, बस मेरी बात गौर से सुन। सबसे पहले तू एक बहू है, फिर एक माँ, और उसके बाद बीवी बनेगी। अगर तो ऐसे तरीके से मामलात हल हो गए तो। मेरी अम्मा को पूरी कोशिश करनी है। खुर्शीद कौन से गैर हैं, आपके सगे भांजे हैं, और सगा भांजा बेटे जैसे ही होता है ना। शादी की बात सुन के बड़ी समझदार हो गई है तू तो मीना। हर्राफा। हाय हाय, खैरियत आप आज कैसे हम गरीबों के। हाँ उस दिन तो बड़ा शिज़ा की शादी में मुंह खोल खोल के कह रहे थे, ए बहन ना कभी अंदरून आऊंगा ना कभी अंदरून की किसी शादी में। ए बहन तू क्या जरा सी बात को दिल पे लेके बैठ गई है। उस दिन तो मैं गुस्से में था, वो छीमो पुप्पो के मनूस बेटे मोहसिन ने मेरे नए डिजाइनर कुर्ते के ऊपर कोरमा गिरा दिया था। बाजी मीना तो जान है मेरी,
उनको भला मैं मना कर सकता हूँ। वैसे मुबारक हो, तुम्हारे नए अब्बू जी आ रहे। और ये तुम्हारे आईब्रोज का क्या किया है? बंदर की भतीजी लग रही है बिल्कुल। गश्ती, जो कहता है वो खुद ही होता है। इफी आगे क्या हाल है? मैं ठीक। आज अंदर कमरे में आ जाओ। ये अपना बैग लेके जाओ। गश्ती हो, ये किस खुशी में? वो नाना बू की नियाज दिलवाई थी अम्मी जी ने, खालिस देसी घी की मिठाई है। आहा। कयामत मीठा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अच्छा तुम बताओ, वो तुमने वेब सीरीज में गाने की बात की थी मेरे? भूल गई। अच्छा सुनो, मैं ना तुमसे पूरा कमीशन लूंगी गाने का। अगर 20,000 तुम्हारा तो उसमें से 12,000 मेरा। मंजूर है, बस मेरा गाया हुआ सामने आ जाए। दे दूंगा तुम्हारे 12,000 रुपए। अब जल्दी से ये प्लेट खाली कर दो। अम्मी बर्तनों के बारे में बहुत टची हैं, तुम्हें मालूम है। एक सिचुएशन है मकसूद। हाँ बोलो। उस हिसाब से ना मुझे कोई अच्छा सा गाना सुना दो। जिंदगी में ना बड़ी इंडिसाइसिव हो गई हूँ, समझ में नहीं आता आ रही हूँ जा रही हूँ, जा रही हूँ या आ रही हूँ। ये कैसी चाप कदमों की सुनाई दे रही है, कोई आया है या कोई उतर के जा रहा है। ये कैसी चाप कदमों की सुनाई दे रही है, कोई आया है या कोई उतर के जा रहा है। ये मेरी जिंदगी है ना, ये मेरी जिंदगी है ना, मेरे घर ऐसे आती है कोई चिट्ठी रसाई, मुझे उनका गुमान आए, अकेली हूँ बस इतनी सी खबर दे जा रहा है, कोई आया है या कोई उतर के जा रहा है। घर में एक मसला चल रहा है यार, अब क्या बताऊँ, बात ही कुछ अजीब सी है, मगर तुम्हें तो पता है मैं तुमसे सब कुछ शेयर करता हूँ। असल में ना दादी कराची से अम्मी के लिए रिश्ता लेकर आई हैं, वो भी अपने रणवे भांजे का। अरे नहीं नहीं नहीं, रणवा नामर्द को नहीं कहते, रणवा कहते हैं जिसकी बीवी चल बसी हो। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्या मसला है? मैं तुम्हें कह रही थी अगर तुम बाजार जाओगे तो मुझे बता के जाना, मैंने कुछ सामान मंगवाना है सिलाई का। वाह क्या बनाया है? बिक भी गया है। नेहा जी के दोस्त को ना मैंने इसकी तस्वीर सेंड की थी, वो पूरे 400 में खरीद रही है। वो ना हर महीने अल्हम्ब्रा हॉल में ना स्टॉल लगाती है, उससे मुझे कहा कि तुम मुझे चीज़ें बना के दीजिए ना और मैं बेची जाऊंगी। जैसे खुद चलाक और मकार, वैसे ही उसकी सहेलियां भी, एक नंबर की हरामजादियां। तुम्हें पता भी है
कि मार्केट में इस तरह की चीजें कितनी महंगी बिकती हैं। इमली मेरी बहन, अगर हम इसको मार्केट में बेचे ना तो खुशी खुशी लोग 1800 से 2000 में लेंगे। एक काम करते हैं मेरी बहन, तू ये मुझे बना बना कर दे और मैं इसकी मार्केटिंग करूंगा, दोनों बहन भाई खुशी खुशी कमाएंगे, और जब तक मेरी जॉब नहीं लगती मैं इसके कारोबार को सेट करूंगा। ठीक है, लेकिन 70% मेरा, 30% तुम्हारा। अगर कारोबार के शुरू में ही लालच करोगी तो बाद में बरकत नहीं होगी। भाई साहब, पहले सब कुछ सेट कर लेना चाहिए, वरना बाद में गंद हुई तो। मैं तेरा सगा भाई हूँ इमली। तुमने वो गाना नहीं सुना, ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया, the whole thing is that के भैया सबसे बड़ा रुपया। क्या समझे भाई साहब? आए मुझे मक्खन लगाने वाले। गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, बाल बाल मोती चमकाए, बाल बाल मोती चमकाए, रोम रोम में कार, गोरी करत सिंगार। ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अम्मी ये क्या नमूना बनी हुई है यार विग लगाकर, बिल्कुल बनमानस फिल्म में जो मादा बनमानस होती है ना, वही लुक आ रहा है। जल रहे हैं, मर रहे हैं। इफी, मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल बिपाशा बसु जैसी, डस्की ब्यूटी, यानी के बेहद पुरकशिश। साड़ी तो उसको सूट करती है जिसको कोई फिगर हो, तब ग्रेस आती है, तब ब्यूटी आती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे साड़ी की जगह थान लपेटा हुआ है। अरे भाई, माना कि हम तेरा रिश्ता कराची से लेके आए हैं, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज नहीं कि तू अपने होने वाले खसम को इम्प्रेस करने के लिए उल जलूल हरकतें करते फिरे। इफी, ये विग मैं अपने सर पे लगा के देखूं, कसम से मुझे बड़ी प्यारी लगेगी। इनको तो इतनी बुरी लग रही है, तू बड़ा मुंह लग रहा है। खबरदार खबरदार, मैं कुछ चीज खींच के मारूंगी। ए, ज्यादा कसाईन बनने की जरूरत नहीं है मीना की बच्ची। अगर अम्मी की शादी होगी, अगर एक आध मुन्ना बहन भाई हो गया तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? हम लोग तो मुंह छुपाते रहेंगे। ओहो, 50-55 बरस की उम्र में ना तो कोई मुन्ना भाई आता है और ना ही कोई मुन्नी बहन। अब तो वैसे भी यहाँ कोई नहीं आएगा। असल मसला तो मैडम की शादी का था, भला मैं मनहूस किस खेत की मूली थी जो मेरे बारे में भी कोई पूछता। अरे तुमसे तो कोई नॉर्मल इंसान वैसे भी शादी नहीं करेगा, इंशाल्लाह यहीं पड़ी पड़ी बूढ़ी हो जाओगी और मेरे बच्चों को पालोगी और उनकी पोटियां साफ करोगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह लगा रहा है, इंशाल्लाह लगा रहा है। आगे थोड़ी।